बात है 1990 की। जबरदस्त सर्दी के बीच मालदीप में सार्क सम्मेलन हो रहा था। सार्क से जुड़े देश उसमें हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। पूरे सम्मेलन में काफी चहल पहल दिखाई पड़ रही थी। भारत की तरफ से उस समय के तत्कालीन पीएम चंद्रशेखर सिंह और पाकिस्तान की तरफ से नवाज शरीफ भी सम्मेलन में शामिल हुए थे। ये दोनों नेता ऐसे थे जो पहली ही बार अपने देश की कमान संभाल रहे थे। 1990 यह वो दौर था जब कश्मीर में आतंकवाद अपने शबाब पर था। कश्मीर में रहने वाले हिंदू परिवारों पर जमके अत्याचार हो रहा था। कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद का ही नतीजा था कि आतंकियों ने कश्मीर के गृहमंत्री मोहम्मद सईद की बेटी तक का अपहरण कर लिया था। चंद्रशेखर सिंह को पीएम बनाने में जनता का कोई रोल नहीं था। असल में राजीव गांधी की मौत के बाद कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों ने सर्वसम्मति से उनको पीएम चुना था। 4 महीने तक देश के पीएम रहने वाले चंद्रशेखर की मुलाकात सार्क सम्मेलन के दौरान नवाज शरीफ से हुई। इसी मुलाकात के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसका जिक्र आज तक किया जाता है। दरअसल पाकिस्तान ने इस सम्मेलन में भी कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया था। नवाज साहब मंच पर चढ़े और चौड़े होकर कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है और कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, इसलिए जब तक कश्मीर को हिंदुस्तान से छीन नहीं लिया जाएगा तब तक पाकिस्तान शांत नहीं बैठेगा। अब नवाज ने ये बात कहने की हिमाकत तो कर दी, लेकिन भाषण के बाद जब नवाज शरीफ चंद्रशेखर से मिले तो उनके बड़े फैन हो गए। पूरे सम्मेलन के दौरान वो चंद्रशेखर को बड़ा भाई कहकर पुकारते रहे। असल में नवाज शरीफ ने हंसी मजाक में चंद्रशेखर के सामने भी कश्मीर का मुद्दा छेड़ दिया था और कहा कि भारत और पाकिस्तान के अच्छे संबंधों के लिए कश्मीर आप हमें दे दीजिए। पहले तो चंद्रशेखर सिंह चुपचाप सब बातें सुनते रहे, लेकिन नवाज के चुप होने पर उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिससे नवाज शरीफ अपना सा मुंह लेकर रह गए। असल में चंद्रशेखर ने नवाज शरीफ को जवाब देते हुए कहा कि ठीक है, हम आपको कश्मीर दे देंगे, लेकिन शर्त यह है कि कश्मीर के साथ आपको भारत में रह रहे 15 करोड़ मुसलमानों को भी पाकिस्तान में रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना आपका मन तो लगेगा नहीं। भारतीय पीएम की तरफ से ऐसा जवाब सुनकर खुद नवाज शरीफ सन रह गए थे और उन्होंने अपनी भलाई चुप रहने में ही समझी थी। चंद्रशेखर के इस जवाब के बाद आज तक किसी भी पाकिस्तानी ने यूं खुले मंच पर सामने आकर कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करने की कोई बात नहीं उठाई। इस घटना के बाद चंद्रशेखर की पहचान पूरी दुनिया भर में बेबाक नेता के तौर पर बन गई थी। बाकी आपको हमारा किस्सा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Facebook पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। कैमरे के पीछे थे मोंटू और मेरा नाम है मानव। वीडियो आपने देखी है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।